पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इंडियन वुमेन्स राइट्स के द्वारा गांधी मूर्ति मुरादाबाद पर संगठन की राष्ट्र महानायक कुमारी निशा रानी के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया गया। निशा रानी ने कहा कि देश में प्रतिदिन हो रहे घोर अत्याचार, बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या, एसिड अटैक आदि के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक उपवास पर अपनी टीम के साथ बैठना आज मजबूरी बन गया है। इंडियन वुमेन्स राइट्स संगठन, जो कि महिला सशक्तिकरण, समान अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के प्रति संघर्षशील है। निशा रानी ने कहा कि आज एक दिवसीय सांकेतिक उपवास पर बैठने का मकसद महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का है, जिन्हें शासन प्रशासन रोकने में नाकामयाब है। कार्यकर्ता जगह जगह मीटिंग कर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता अत्याचारियों को भी संदेश दे रहे हैं कि ऐसी घिनौनी मानसिकता को बदलें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। मीडिया के माध्यम से देश की समस्त महिलाओं को भी संकेत दिया कि कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को अपनी आवाज देकर बुलंद करें, क्योंकि जुर्म करने वाला पापी होता है तो जुर्म सहने वाला भी महापापी होता है। कार्यक्रम में शबनम मलिक, अनीता, प्रमोद, उषा रानी, शांति देवी, विद्या देवी, कुंती देवी, सरोज देवी, भूरी देवी के साथ और भी सदस्य मौजूद रहीं। आज हमारा इंडियन वुमेन्स राइट जो महिलाओं की मांग है, एक राष्ट्रीय सामाजिक हक आंदोलन है। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, संपन्नता, दर्जाए बराबरी की पुरजोर मांग है। आज मैं मुरादाबाद की सैड धरती पर उपवास पर दो दिन के लिए बैठी हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी महिलाओं पर, नाबालिग बच्चियों पर जो बलात्कार हो रहे हैं, अशिक्षा, छेड़छाड़ और दहेज ऐसी आदि जैसे, जिससे शासन प्रशासन रोकने में नाकाम है। मैं और मेरी टीम के कार्यकर्ता जगह जगह मीटिंग कर देश में संदेश दे रहे हैं कि अपनी घिनौनी मानसिकता को बदलें और हमारे संगठन के साथ जुड़ें। जैसे महिलाओं पे और बच्चियों पे, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या आप योगी सरकार को दोषी मानती हैं? नहीं, हम किसी सरकार के लिए दोषी नहीं मांगते हैं। सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं अपनी लोग मानसिकता को बदलें। बस जब तक मानसिकता को लोग नहीं बदलेंगे, तब तक इसी तरह हमारी लड़की पर बलात्कार होते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।